सुनो सी, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ एंड देखते जाओ गाइस। तो हे गाइस व्हाट्सएप, तो हम लोग आ चुके अपने यूट्यूब पे ओरिजिन की और एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। तो गाइस आज का टॉपिक है गाइस, हम लोग अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन कोई भी मेहनत ना करके, कोई भी फार्मिंग वगैरह ना करते हुए, बस तुम लोगों को बेस पे बना के बेचने का है। तो गाइस ये चीज़ करने के लिए तुम्हें जो जो मेरे को चाहिए होगा मैं तुम लोगों को सारा चीज़ बताऊंगा, तो तुम लोग पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर फॉलो करना। एंड गाइस तुम लोगों से बहुत सारे बंदे जो ऐसे है भाई लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते गाइस, यार कर देना गाइस, क्योंकि भाई पैसा थोड़ी लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। एंड गाइस तुम लोग करोगे तो मेरे को भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो गाइस मेरे को वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। तो गाइस यार ज़रूर से कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो जाते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलो गाइस मेरा बेस अभी प्लेस हो चुका है, तो चलो तुम लोगों को मैं प्रॉपर दिखा दो तुम लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए होगा पहले तुम लोगों को बनाने के लिए। तो गाइस तुम लोगों को पहले चाहिए होगा दो बड़ा वाला, ये जो फर्नेस है ना, दो बड़ा वाला फर्नेस चाहिए होगा। तो पहले तुम लोगों को मैं अपना चीज़ दिखा देता हूँ जो मैं तुम लोगों को बेचने के लिए बताऊँगा गाइस अभी के लिए। तो गाइस तो एज वाला चेस में नहीं है गाइस, तो सेकेंड चेस में तुम लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। एंड गाइस देख ही सकते हो मेरे पास कितना ज़्यादा रेजिन और वॉर्ब कितने ज़्यादा है मेरे पास। ऐसे में 1000-2000 में और उठा लिया। ये वार भी तुम लोग कैसे कलेक्ट करोगे ये भी बताऊंगा मैं गाइस, वो भी तुम लोग देख लेना। वैसे भी तुम लोग देख ही सकते हो इस वाले मैंने फर्नेस में क्या डाल के रखा था, वुड डाल के रखा था। तो गाइस इस वुड को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तुम लोग को ऐसे ही यहाँ पे वार्प डाल देना है, कम से कम 300-400 वार्प डाल देना। फिर ऐसे तुम लोग को वुड को जल्दी जल्दी तुम लोग को अनलॉक करके अपने बैग में भर देना है, ठीक है ना। सारा का सारा खोल लेना, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि पूरा वीडियो बाकी है दिखाने के लिए भी। तो गाइस चलो मैं अभी वापस तुम लोगों को दिखा देता हूँ। मैं डाल दे रहा हूँ क्या यहाँ पे वापस कुछ 400 के करीब मैं डाल दे रहा हूँ, वे वापस बनते रहेगा वुड वगैरह सब कुछ। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं डाल दिया, फर्नेस को ऑन कर दिया। मैं थोड़ा स्लो चलूँगा तो कोई बात नहीं गाइस। एंड यहाँ पे भी जाके मैं सेम चीज़ ही करूँगा यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ अलग है, रेजिन डालना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेजिन डाल देना। और रेजिन के यहाँ पे तुम लोग 2000 भी और डाल सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम लोग 2000 भी जितना हो सके मैं 1000 तक डाल दे रहा हूँ। मैंने कभी कभी तो 4000 और से भी किया है, ठीक है ना। तो अभी जितना हो सके तुम लोग डाल लेना, ठीक है ना। तो गाइस अभी मैं इसे रेजिन को ढूंढता अपने मतलब कि मोड अपने इसमें कर लेता हूँ, अपने हाथों में ले लेता हूँ, बस उसे भी तो खोलना पड़ता है ना। तो गाइस कोई बात नहीं, उसे रख देता हूँ अभी के लिए। तो मैं अपने चेस्ट से बाकी का रेजिन वगैरह उठा लेता हूँ, क्योंकि गाइस इसको अभी तो रख देते हैं क्योंकि ओपन करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो रेजिन का मैंने सारा कुछ रख दूंगा अभी यहाँ पे। कहाँ गया मेरा रेजिन का सारे बॉक्सेस, तो ए रहा कहाँ गया, ए रहा मैंने रख दिया गाइस सारा बॉक्स। मैं यहाँ से बस थोड़ा बहुत रेजिन वुड वगैरह उठा लेता हूँ। चलो गाइस अभी जाते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर, ठीक है ना। अभी सिर्फ तुम लोगों को जाना पड़ेगा अपने क्राफ्टिंग टेबल तक। तो मैं फटाफट चलता हूँ गाइस, थोड़ा धीरे चल रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं, एक भी पार्ट स्किप मत करना नहीं तो उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। एंड गाइस यहाँ पे मैं बैकग्राउंड मेकिंग में जाऊँगा, मेकिंग में मत जाना, बस बैकग्राउंड मेकिंग में जाना, ठीक है ना। बैकग्राउंड मेकिंग में जाने के बाद तुम लोगों को जाना पड़ेगा भाई, इसको देखो कितना ज़्यादा मैंने बिल्ड करने के लिए रख दिया था ना प्लैंक, वुड प्लैंक। तो गाइस यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाकर ना तुम लोगों को वुड प्लैंक तुम लोगों को बिल्ड करने के लिए देना पड़ेगा, मतलब कि क्राफ्ट करने के लिए, मैं बिल्ड बोल रहा हूँ उसके लिए, सॉरी गाइस। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम लोगों को क्राफ्ट करने के लिए देना पड़ेगा सारा वुडन प्लैंक। अभी तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं जितना भी सामान है चाहते हैं अभी ट्रेडर हॉल के पास, अभी कुछ और नहीं चाहिए हमें। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने ट्रेडर हॉल के पास। तो अभी जाते हैं अभी ट्रेडर हॉल के ट्रेड सेक्शन में, फिर सेल सेक्शन में जाएंगे। तुम लोगों को मैं प्रॉपर प्रूफ भी दिखाऊंगा गाइस मैंने कितना ज़्यादा मैंने सेल किया है अपना वुडन प्लैंक को। तो गाइस इसे ना मैं कितना करूँगा अभी 40 में डाल दूंगा जितना प्राइस है, लेकिन तुम लोग 40 से नीचे 30 तक तुम लोग जा सकते हो, लेकिन उसके नीचे मत जाना तो अपना लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं गाइस अभी इधर से जितना हो सके कम में डाल देता हूँ, मैं 50 में डाल देता हूँ। तो देखना गाइस एक दिन में या दो दिन में तुम लोगों का सेल हो जाएगा ये पूरा का पूरा। तो मैं सारा का सारा मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ गाइस, ठीक है ना, सारा का सारा मैं यहाँ पर रिजिन डाल दूंगा, क्योंकि देख ही सकते हो अभी उतना ज़्यादा अभी प्राइस चल नहीं रहा। जो सामने वाला बंदा उसने 30 का डाला, लेकिन उसका जो बहुत जल्दी सेल हो जाएगा, फिर अपना सेल होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। तो मैं 50 का डाल रख के रख दे रहा हूँ। तो गाइस इसका ना एक दो दिन लगता है सेल होने में, तुम्हारा किस्मत अच्छा होगा तो जल्दी जल्दी सेल हो जाएगा। एंड गाइस मैं तुम लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगा, क्योंकि देखो इसमें ना कोई भी मेहनत नहीं है तुम लोगों का अपना, ठीक है ना।
तो गाइस तुम लोग ऐसे ही पूरा का प्रॉपर पूरा सेल में डाल देना, सब कुछ एकदम पूरा फुल कर देना सेल में गाइस। एंड गाइस तुम लोग का यहाँ पे सेल में जैसे ही डालोगे ना गाइस, तुम लोग देखो प्रॉपर मेरा सेल में मैंने डाल दिया है। एंड गाइस तुम लोग को अभी मैं दिखाता हूँ कैसे तुम लोग गाइस यार यहाँ पे ऑर्ब कलेक्ट कर सकते हो। ऑर्ब के लिए तुम लोग को मैं बता दे रहा हूँ गाइस, ऑर्ब तुम लोग को जब भी तुम लोग खरीदो ना, एक चीज़ तुम लोग को देखना है ऑर्ब खरीदने के टाइम पे, वो है अपना भाई वो आपका प्राइस जब भी देखना है यार 70 या 60 उसका अंदर होगा ना, अब उसके भी नीचे हो सकता है, कभी कभी चला जाता है, उसके नीचे कभी भी जाए ना गाइस, तो कोई बात कोई भी मत सुनना गाइस, थोड़ा बहुत भी एकदम मत सुनना, फटाफट खरीद लेना गाइस। एंड तुम लोग देख ही सकते हो मेरा सेल, ये तुम लोग को मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस तुम लोग सिर्फ देखते जाओ एंड देखते जाओ गाइस, कुछ भी ख़त्म नहीं होगा, बस तुम लोग देख ही सकते हो मैंने कितना ज़्यादा वुडन प्लैंक सेल किया है हमने, तो गाइस देखते सकते हो भाई कितना ज़्यादा मैंने सेल किया है गाइस, एकदम भाई एकदम, कोई भी मैं मतलब कि बिना अनप्रूफ के साथ मैं नहीं दिखा रहा हूँ, प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ मैंने कितना ज़्यादा सेल किया है, ठीक है ना, प्रॉपर तुम लोग देख ही सकते हो गाइस कितना ज़्यादा मैंने सेल किया है, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ठीक है ना गाइस। तो चलो गाइस ऐसे ही तुम लोग को प्रॉपर वुडन प्लैंक मतलब कि तुम लोग को सेल करना है, यहाँ पे वॉर्ब खरीदना है, वहाँ पे जाकर डुप्लीकेट करना है, अपने क्राफ्टिंग टेबल में क्राफ्ट करने देना अपने प्लैंक को, एंड यहाँ पे आके सिर्फ सेल करना है और बाकी तुम लोग तो प्रॉफिट बाकी सारे चीज़ सेल करके तुम लोग बना ही सकते हो। तो एक गाइस अपना अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन तुम लोग यहाँ से तुम लोग का आते रहेंगे, यहाँ पे तुम लोग का कुछ भी बंदे मेहनत नहीं है, बस तुम लोग का आके सेल करना है, बस ऐसे तुम लोग का अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन बनता रहेगा। तो गाइस चलो आज का वीडियो यही देखिए, तो बाय बाय टाटा सी यू गुड बाय गाइस, तो चलो मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में, एंड गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके लिए पैसा नहीं लगता गाइस, तो उसे जरूर कर देना, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा, तो गाइस कर देना गाइस, चलो बाय बाय।